हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑल न्यू सुजुकी बर्गमैन का रिव्यू। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, आपको आगे और भी इसी टाइप की जो इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। दोस्तों फ्रंट से शुरुआत करते हैं। तो फ्रंट लुक जो है आपको इसी स्कूटर की यहाँ पे कुछ इस टाइप को देखने के लिए मिल जाती है। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर आपको जो है काफ़ी बड़ी विंड स्क्रीन देखने को मिलती है। साथ ही में आपको जो है यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस LED हेड लैम्प सेटअप जो है वो देखने को मिलता है। और साथ ही में जो है आपको टर्न इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर जो है आपके हेलोजन बेस्ड रहने वाले हैं। और बात करते हैं फ्रंट, इसके फ्रंट से तो इसका जो फ्रंट मड गार्ड है यहाँ पे ये मेटल का रहने वाला है। साथ में आपको यहाँ एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ इसके टायर साइज़ की, तो आप टायर साइज़ यहाँ देख सकते हैं। टायर साइज़ आपको स्कूटर के अंदर 90-90-12 का देखने को मिलता है विद एलॉय व्हील। और आपको यहाँ पे जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, 120 mm का आपको यहाँ डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, जो कि आपका सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ में आता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी साइड लुक की। तो साइड से जो है स्कूटर कुछ यहाँ पे आपको जो है इस टाइप का देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसके डैशबोर्ड की, तो आप जो इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं, यहाँ आपको जो है हाई बीम लो बीम का स्विच देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है आपको टर्न इंडिकेटर, हॉर्न और ये आपका स्टार्टर और किल स्विच जो है आपको एक ही में देखने को मिलता है। और दोस्तों अब मैं बात करूँ इसके डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड के अंदर जो है आपको दो स्टोरेज बॉक्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं। एक स्टोरेज बॉक्स जो है वो आपका यहाँ से जो है वो लोकेबल है। और इस स्टोरेज बॉक्स के अंदर जो है वो आपको USB चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको दिख रहा होगा। और जो हमारा सेकंड स्टोरेज बॉक्स है वो आपको यहाँ जो है वो ओपन स्टोरेज बॉक्स देखने को मिलता है। और साथ ही मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे जो है आपको एक हुक मिलता है, एक लगेज हुक, जिसके अंदर जो आप 3 किलो तक का कोई भी सामान जो है यहाँ पे लटका सकते हो। और साथ ही मैं बात करना चाहूँगा कि आपको जो है यहाँ पे सीट के नीचे भी जो है एक हुक देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो है आप 3 kg तक का जो है वो कोई भी सामान यहाँ लटका सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसका जो फुटबोर्ड है फ्रेंड्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा और जो है वो बड़ा रहने वाला है यहाँ पे। और इस स्कूटर के अंदर जो है वो आपको साइड स्टैंड, कट ऑफ स्विच और साथ ही में आपको मेन स्टैंड जो है वो देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमारे स्कूटर की जो पीछे से लुक है वो यहाँ कुछ इस टाइप से आ रही है, आप देख सकते हो। तो अब बात करते हैं इसके रियर सेक्शन के बारे में। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, इस स्कूटर के अंदर आपको जो है सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जिसकी मैक्स पावर आपको यहाँ 8.48 PS की देखने को मिलती है। और मैक्सिमम टॉर्क जो है वो आपको यहाँ 11 Nm का देखने को मिलता है। दोस्तों इस स्कूटर के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट के साथ साथ यहाँ किक भी देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ इसके रियर व्हील की, तो रियर व्हील जो इसका 90-110 का रहने वाला है, जो कि आपका ड्रम ब्रेक के साथ आता है। और अगर मैं इसकी टेल की बात करूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी जो टेल लाइट है वो भी कुछ इस टाइप से यहाँ आपको देखने को मिलती है। टेल लाइट फ्रेंड्स इसकी जो है वो ऑल LED सेटअप मिलेगा आपको टेल लाइट के अंदर। लेकिन जो इसके इंडिकेटर है फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ हैलोजन देखने को मिलते हैं। और अब मैं बात करना चाहूँगा इसके साइलेंसर के बारे में। तो आप इसका साइलेंसर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक में जो है आपको यहाँ साइलेंसर देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी अंडर सीट स्टोरेज की, तो चलिए वो भी मैं आपको यहाँ ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इस स्कूटर के अंदर फ्रेंड्स आपको जो है अंडर सीट स्टोरेज जो है वो लगभग 21 लीटर के आसपास का देखने को मिलता है। और जो पेट्रोल टैंक आपको इस स्कूटर के अंदर देखने को मिलता है, वो लगभग आपको 5.5 लीटर का देखने को मिलता है। और साथ ही मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि इस स्कूटर के अंदर जो है वो आपको E20 पेट्रोल से चलने के लिए स्कूटर जो है वो कैपेबल है, जो कि एक अच्छी बात है फ्रेंड्स। अगर आप भी
अगर आप भी कोई स्कूटर सर्च कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आप एक बार इस स्कूटर को भी जो है वो कंसीडर करके यहाँ देख सकते हो, क्योंकि ये जो स्कूटर है अपने सेगमेंट में सबसे डिफरेंट लुक के साथ आता है और सबसे ज़्यादा स्टाइलिश लुक के साथ में जो आपको स्कूटर यहाँ देखने को मिलता है, जो कि अगर आप जो एक कम्यूटर सेगमेंट वाले स्कूटर से एक स्टैंडर्ड लुक से हटके अगर कोई दूसरे लुक में जाना चाहते हो तो आप जो है इस स्कूटर की तरफ भी जा सकते हो। काफ़ी अच्छा स्कूटर रहने वाला है फ्रेंड्स ये, और मैं आपको बताता हुआ चलूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है यहाँ फुली डिजिटल देखने को मिलता है, जो कि ऑल डिजिटल डिस्प्ले के साथ में आता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे जो आपको टाइम शो करेगा, ये आपका लो फ्यूल इंडिकेटर है, यहाँ पे आपकी स्पीड शो होगी, और यहाँ पे जो है आपको रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिलेगी। इस डिस्प्ले के अंदर आपको जो है वो यहाँ दो बटन देखने को मिलते हैं, एक आपको सेट का, दूसरा आपका मोड का। अगर मैं सेट के बटन को यहाँ प्रेस करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे कि ट्रिप बी की फ्यूल इकोनॉमी, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है, और यहाँ पे आप जो है इसका ओडोमीटर देख सकते हैं, और ये फिर से आपका ट्रिप ए फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप बी फ्यूल इकोनॉमी, और ये जो आपका रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी जो वो आपको यहाँ पे शो करेगा, और ये आपका बैटरी वोल्टेज, ये आपका ओडोमीटर। और अगर मैं यहाँ से मोड के बटन को प्रेस करता हूँ तो फ्रेंड्स इस स्कूटर के साथ में जो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी जो वो ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप मोड का बटन प्रेस करोगे तो आपको जो है यहाँ पेयरिंग मोड जो आपका ऑन हो जाएगा, और आप अपने स्मार्टफोन से जो है अपने स्कूटर को जो है वो कनेक्ट कर पाओगे। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि इस स्कूटर के अंदर जो आपको इंजन माल फंक्शन लाइट, और अगर आप इसको एवरेज स्पीड पे चलाओगे तो इकोनॉमी लाइट यहाँ देखने को मिलती है। और साथ ही में मैं आपको बताऊं कि अगर आपके फ़ोन आपके स्कूटर से कनेक्ट है तो अगर आपके फ़ोन पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो वो आपको इस आई बटन में यहाँ पे शो होगी, जो आपकी जो लाइट आई बटन की वो यहाँ ग्लो करेगी, और अगर कोई भी एरर होगा तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ दोस्तों, इस स्कूटर का जो प्राइस है वो आपको यहाँ स्क्रीन पर मैंशन हो रहा होगा, आप देख सकते हैं, और जो शोरूम की डिटेल्स है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो स्कूटर से रिलेटेड तो आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, मैंने जो है शोरूम की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।